नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज अपन बात करेंगे, मैं मेरे बारे में बात करूंगा। हालांकि आपके पक्ष में तो ये बात नहीं जाएगी, क्योंकि जहां बात पैसों की आती है तो लोग दूर हो जाते हैं थोड़ा, है ना। और कहीं पर भी देख लो, भंडारा चल रहा होता है। जैसे हमारे अभी भंडारा राजस्थान में श्री बालाजी का जो अभी है ना, लोग पैदल यात्री जा रहे हैं, भंडारे होते हैं। एक तरफ होटल लगे होते हैं, एक तरफ भंडारे लगे होते हैं। जो भक्तों की भीड़ होती है, भंडारों पे खाने पीने की व्यवस्था फ्री में होती है, तो वहाँ भीड़ होती है जबरदस्त। पग रखने को जगह नहीं मिलती। एक तरफ होटल होते हैं बेचारे, जो ये सोचते हैं कि यार भंडारा है, इतनी लोग जा रहे हो, खेतों में, रोड पे, सड़क पे, अपनी होटल टाइप का है स्टाइल लगा लेते हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए कोई नहीं जाता, क्योंकि पैसा लगता है। तो अपने इंडियन लोगों को फ्री में थोड़ी खाने की आदत ज्यादा पड़ी हुई है। तो मैं मेरी हिस्ट्री बताऊंगी। 6 तारीख को मैंने बिजनेस अकाउंट मेरे व्हाट्सएप पे स्टार्ट किया। 6 तारीख को, इसी 6 को, आज 22 हुई है, 6 तारीख को मैंने बिजनेस अकाउंट स्टार्ट किया। उसमें होता कि आपको सबको पता है, जैसे आप हाय हेलो कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम आप मैसेज मुझे करते हो, तो मेरा एक मैसेज ऑटोमेटिक आपके पास चला जाता है। इमिग्रेशन से रिलेटेड किसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए आपको 500 रुपये फीस दें, और फीस प्लीज न दें तो कॉल और मैसेज न करें। ये मैसेज था। तो मैसेज तो आ जाते हैं, लगभग रोज का एवरेज है 100 मैसेज आ जाते हैं, ठीक है। और 100 मैसेज में से 50 मैसेज ऐसे होते हैं जिनको किसी संबंधित जानकारी या इंक्वायरी लेनी होती है। लेकिन जैसे ही मेरा उनका पहले आपका लोगों का मैसेज आता है, ठीक है, फिर मेरा मैसेज अगले के पास जाता है। तो मेरा मैसेज जैसे ही जाता है, उसमें कंडीशन 500 रुपये की देनी है, नहीं दे रहे हो तो प्लीज कॉल मैसेज न करें, तो बंदा फिर मुझे दोबारा कॉल और मैसेज नहीं आता। ये चलो, ये अच्छा हुआ कि यार मैं आप लोगों का भी टाइम बचता है, वरना आप सोचते यार कब सर फोन उठाएंगे, कब बात करेंगे। अभी आपको पता है 500 रुपये हम देने वाले नहीं है, इसलिए बात नहीं हो पाएगी। तो आप भी परेशान नहीं होते, मैं भी परेशान नहीं होता। मैं भी मेरे दूसरे बिजनेस में लग रहा हूं, अभी उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि दूसरा बिजनेस में क्या कर रहा हूं। मैं रियल बता रहा हूं, मैं फ्री हो गया भाई, सच्ची बता रहा हूं। वरना रोज झक झक माथा पच्ची, इतने कॉल और कोई मतलब नहीं था। तो अभी मैं बताऊंगी, 6 तारीख से आज 22 हो गई, ठीक है। तो मतलब मान के चलिए कि 15 दिन है, 15 दिन का 15 से 20 लोगों ने, 15 लोगों ने मुझे पैसे दिए। एवरेज एक बंदे का मेरे पास फीस आती है, रियल बता रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट सबके डालूंगा। एक बंदे की मेरे पास फीस आती है 500 रुपये, और मैंने सुविधा बदले में ये दे दी कि बंदा, मेरा फोन तो बंद है, ठीक है, तो बंदा कॉल कैसे करेगा। तो जैसे फीस आती है उसका, उसमें लिखा होता है मेरी ये प्रॉब्लम है, तो या तो मुझे समझ नहीं आता, दोबारा पूछ लेता हूँ। अगर समझ में आ जाता है तो मैं खुद डायरेक्ट कॉल मैं खुद कर लेता हूँ कि बोलो भाई आपकी फीस आ चुकी है, आपकी क्या समस्या थी। तो मुझे ये लगता है कि एक आधे बंदे को छोड़ के मैंने 100% सबको रिप्लाई सही तरीके से दिया है, और मेरे बातों से संतुष्ट है, समझ रहे हो। क्योंकि यार वही बात है, फीस जो लेते मुझे देता है, मेरी जिम्मेदारी हो जाती है, मैं खुद बैक कॉल कर लेता हूँ क्योंकि अगले ने फीस दी है, और सही तरीके से उसको गाइड भी कर देता हूँ। पहले होता क्या कि 10 लोगों ने फीस दे दी और फालतू के 90 कॉल आ रहे हैं, तो वो 10 में 5 वो भी 10 भी वो भी घुल मिल गए, तो उनके भी फॉल अटेंड नहीं होते थे। लोगों की शिकायत होती थी, सर हमने फीस दे दी, हमारे से बात नहीं कर रहे हो। तो अब ये फार्मूला ठीक हो गया, बाकी मेरा भी टाइम बच रहा है, आपका भी टाइम बच रहा है, ये अच्छी बात है। बाकी वीडियोस भाई, मैं जानकारी तो वीडियो के माध्यम से दे ही रहा हूँ ना, वो तो आप पर्सनल करते हो तो अलग बात है, बाकी तो हर कोशिश में जानकारी आपको दे देता हूँ, तो आपको कॉल मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि रोज के 100 मैसेज में से एक बंदा मुझे फीस देता है, ठीक है, और उस बंदे को मैं आराम से बढ़िया तरीके से रिप्लाई भी देता हूँ। दोबारा भी वो पूछता है तो मैं बताता हूँ, एक दिन में 10 बार भी पूछेगा तो मैं आंसर दूंगा, क्योंकि मैं, मेरे पास इतना टाइम बच गया, इतने मैसेज कॉल फिर नहीं आते, समझ रहे हो बात को। तो ये आपके साथ लोगों के साथ शेयर करनी थी कि भाई मेरे पास जो 15 दिन का एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ शेयर किया, मैं सुकून में हूँ, रियल बता रहा हूँ, और आप भी लोग भी सुकून में होंगे, क्योंकि कॉल जाता है तो मैंने पहले एक बात बताई थी वही हो जाती है, समझ गए बात को। तो बस यही था आज के वीडियो के लिए, मैंने मेरी जो बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड इंक्वायरी थी मैं दे दी आपको। वीडियो शायद अच्छा ही लगेगा, डिसलाइक नहीं करोगे, लाइक ही करोगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लें, ताकि हर रोज नए अपडेट, अपनी जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।